पोर्नोग्राफी के बारे में वीडियो बनाओ, ऐसा काफ़ी लोगों ने सुझाव दिया, इसलिए आपके सामने आ रहा हूँ टॉपिक लेके पोर्नोग्राफी का, अश्लील साहित्य, अश्लील वीडियोस। तो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला, पुणे, नागपुर, मुंबई, यहाँ हमारे हॉस्पिटल्स है। हर एक के लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत ही हमारा मिशन है। हमारे यहाँ जो लोग आते हैं, पेशेंट, मनोरुग्ण जो आते हैं, उनको रिश्तेदारों के साथ में, रिश्तेदारों के अलावा हम भर्ती करके उनका इलाज करते हैं। ये पोर्नोग्राफी देख के काफ़ी लोग, काफ़ी लड़के लोग हमारे पास में या बड़े भी मेरे पास में आते रहते हैं। एक तो क्या है कि पोर्नोग्राफी में एनल सेक्स किया जाता है, मतलब लेटरिन जहाँ से होती है वहाँ से सेक्स किया जाता है, तो वो गलत है, वो ठीक नहीं है। फिर बकल सेक्स किया जाता है, वो भी ठीक नहीं है। उसके बारे में बहुत सारा बताया जाता है कि देखो उसमें कितना मज़ा आता है। फिर तीसरा कि पोर्नोग्राफी में काफ़ी सारे ऐसे आपको वीडियो देखने को मिलेंगे कि जिसमें शिश्न का साइज जो है, लंबाई, ये बहुत ज़्यादा है। अब एक्चुअली सचमुच में इतनी ज़्यादा लंबाई हो सकती है क्या, पता नहीं। मुझे ऐसा डाउट है, मेरे पास में तो कोई ऐसा पक्का सबूत नहीं है, मगर ऐसा डाउट है कि वो उनके शिश्न जो है वो सर्जरी करके बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि शिश्न को सर्जरी से बड़ा कर सकते हैं। आर्टिफिशियल पेनिस जो इम्पोर्टेड आता है और अपने कंट्री मेड भी आता है, वो शिश्न में डाल के उसकी सर्जरी करके पेनिस का साइज बढ़ जाता है, बढ़ा सकते हैं, तो एक वो है। या फिर पेनिस में, मतलब शिश्न में इंजेक्शन लेके, दवा डाल के उसको काफ़ी सारा टेंशन आता है, वो कठोर हो जाता है और फिर बहुत बड़ा दिखता है। इसमें होता क्या है कि लोगों को लगता है कि भाई मेरा शिश्न का साइज़ इतना बड़ा नहीं है, और फिर वो हमारे यहाँ चक्कर काटते रहते कि हमको साइज़ बड़ा करके दो। दूसरा, वो जो सेक्स पोर्नोग्राफी में बताया जाता है, वो सेक्स आधा आधा पौन पौन घंटा वो सेक्स कर रहे ऐसा बताया जाता है। अब ये इतना सेक्स जो है वो इंटरकोर्स इतना लंबा कैसे क्या कर सकते हैं, तो वो भी है कि वो दवाई लेते हैं जिससे कि उसमें कठोरता काफ़ी समय तक टिकती है, इजैकुलेशन होने के बाद में भी कठोरता रहती है, वो टिकती है, और फिर उसमें ऐसा अपने को लगता है कि बहुत समय तक चल रहा है। फिर लोग हमारे पास में आते हैं कि भाई मैं आधा पौन घंटा, एक घंटा नहीं कर सकता हूँ, और यदि मैं आधा पौन घंटा या एक घंटा नहीं कर सकता, इसका मतलब मैं मेरे पत्नी को खुश नहीं कर सकता, वो नाखुश है, और फिर अपने अपने दिमाग में विचारों से वो धीरे 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 गल जाता है कि अभी मैं इतना कमज़ोर हो गया हूँ, मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ, मैं मेरे पत्नी को सुखी रह सकता नहीं हूँ, और फिर वहाँ से उसको बीमारी चालू हो जाती। फिर बीमारी होंगी कि शिश्न में कठोरता नहीं आती, या जल्दी गिर जाना, मतलब प्रीमैच इजैकुलेशन हो जाना, या फिर पत्नी के ऊपर शक करना कि नहीं भाई मैं उसको सुखी नहीं कर सकता, समाधान नहीं कर सकता, तो बाहर कहीं जाती होंगी। मतलब ऐसे इस तरह के लोग हमारे यहाँ आते रहते हैं, तो ये वीडियो देखना गलत है, ये आर्टिफिशियल है, ये एक्चुअली वास्तव में नहीं है। हमको ये पता नहीं कि इन्होंने क्या दवाई ली है, कौन से इंजेक्शन लिए, कौन से ऑपरेशन करके बता रहे हैं। तो आपने इसके, मतलब क्या बोलते हैं, इसके नशे में जाना नहीं चाहिए, इसका नशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि बार 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 हम देखते रहते उसकी नशा आ जाती है, हमको लगता है कि हमने भी वैसा करना चाहिए और हम वैसा नहीं कर सकते करके फिर डिप्रेशन से हमारे पास में लोग आते हैं कि हम डिप्रेस हो गए, कुछ नहीं कर सकते और हमारा लाइफ तो पूरा बर्बाद हो गया, अब तो ऐसा है कि मैं मर जाऊँ तो अच्छा है, ऐसे डिप्रेशन में लोग आते हैं। तो पोर्नोग्राफी से ज़रूर अपने बच्चों को बचाइएगा, बच्चों ने देखना नहीं चाहिए। आप देखो कि आपके बच्चे वो तो नहीं देख रहे, या खुद ने भी देख के गलत फहमी में आप जा सकते हैं। ये लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैलाओ ये वीडियो, ताकि लोगों को मालूम हो सके कि एक्चुअली है क्या, कौन से इसमें हम जा रहे, कहाँ हमारा टाइम पास कर रहे, हम बीमारियाँ अपने को ला रहे खरीद के, वो पोर्नोग्राफी देख के बीमारी हम खरीद रहे, ऐसा हो गया हो तो। ऐसा ना करने के लिए, लोगों को प्रवृत्त करने के लिए वीडियो लोगों को फैलाओ, मालूमत करो, और ऐसा कुछ रहा तो कभी भी हमें संपर्क कर सकते हैं, आपके गांव के साइकेट्रिस्ट को संपर्क कर सकते हैं, ताकि आप आपका जीवन खुशी से, मस्त एन्जॉयमेंट में अच्छा जी सकेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।